दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने अब्दुल करीम टुंडा को भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत को बताया कि टुंडा से सीमा पार के कई आतंकवादी संगठनों से संबंध है और उससे देश के अलग अलग हिस्सों में हुए विस्फोटों के संबंध में अहम जानकारी हासिल करनी है। पुलिस ने बताया कि अभी तक की जांच से पता चला है कि वह पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े कई आतंकवादी संगठनों के संपर्क में रहा है। जांच एजेंसी ने तर्क दिया कि उसे पूछताछ के लिए 3 अलग अलग राज्यों में ले जाना है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और दाऊद के हमराज रहे अब्दुल करीम टुंडा ने पुलिस को कुछ ऐसी अहम जानकारियां दी हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर आतंकवाद की ट्रेनिंग बादस्तूर जारी है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने टुंडा को नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था। अदालत से 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि वह पाकिस्तान में जमात उल दावा के मुखिया हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों से मिल चुका है। जांच एजेंसी के मुताबिक टुंडा जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा और बब्बर खालसा जैसे संगठनों के भी संपर्क में रहा है। गौरतलब है कि टुंडा की लंबे समय से पुलिस को तलाश थी और उस पर दिल्ली सहित कई राज्यों में बम विस्फोट कराने के आरोप हैं। अनिल पुनिया, DD News, दिल्ली।